नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भाजपा के 25 साल के तिलिस्म को भेदने के लिए समाजवादी पार्टी ने युवा और तेज तर्रार पार्षद प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारा है। राजीव गांधी द्वितीय वार्ड से दीपांशु सिंह सपा के उम्मीदवार हैं, जिनका मानना है कि उनकी बेदाग छवि को जनता पसंद कर रही है। विनायक खंड 2, 3, 4 और 5 में जनता से सीधा संवाद कर रहे दीपांशु को व्यापक समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट के साथ दीपांशु को अलग अलग समुदाय से भी मतदाताओं का प्यार और आशीर्वाद मिलता दिखाई दे रहा है। गोमती नगर की विरामखंड 4 और 5 में व्यापारियों की पहली पसंद बने दीपांशु सिंह को क्षेत्र की बदहाल व्यवस्था से निराश नागरिकों ने हाथों हाथ ले रखा है। सपा के दीपांशु ने बताया कि उनकी प्राथमिकता है कि वे अपने वार्ड को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाएंगे। जनता की हर बुनियादी सुविधाओं की ओर विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए वे वचनबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि कई वर्षों से यहां भाजपा का पार्षद रहा है, लेकिन क्षेत्र में नागरिकों की सुविधाओं पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। साफ सफाई के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि जगह जगह पर कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं, जिस पर किसी का कोई ध्यान नहीं रहता, जबकि क्षेत्र की जनता पर लगातार टैक्स का बोझ डाला जा रहा है, चाहे फिर वाटर टैक्स या फिर गृह कर हो। पूर्वांचल के देवरिया जनपद से ताल्लुक रखने वाले दीपांशु को यहां पूर्वांचल के अधिकतर मतदाताओं का भरपूर समर्थन प्राप्त है। लखनऊ से हमारे संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं दीपांशु सिंह समाजवादी पार्टी से पार्षद पद हेतु चुनाव लड़ रहा हूं, राजीव गांधी द्वितीय वार्ड से, वार्ड संख्या 100। और मैं आपके बीच समाजवादी पार्टी को वोट की अपील करता हूं, अपने यहां से ज्यादा ज्यादा लोग वोट दें और समाजवादी को जिताएं। और यहां पे 20 साल से भाजपा के पार्षद हैं, जनता उनको पहचान नहीं रही है, जान नहीं रही है। दीपांशु जी, क्या आपको लगता है कि इस बार जो है भाजपा का ये किला आप ढहा दें? जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए इसके लिए, क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है, विरोध है उनका। कभी जनता के बीच नहीं जाना, कभी लोगों से मिलना नहीं। तो लोग काम के लिए जाते हैं तो बदतमीजी से बात करना, चाहे और भी जो भी समस्याएं हैं लोग अपने करते हैं वहां पे जाके, वो कभी सुनवाई नहीं होती उस चीज की। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत सफाई की है, पार्क मेंटेनेंस की है, रोड की है, वो कभी नहीं इस चीज का करते हैं। केवल अपने पास अगल बगल के ठेकेदार रख रखे हैं उन्होंने, वो अपना काम कराते हैं, पैसे का लेन देन का जो भी अपना सिस्टम है उनका वो करते हैं। एक चीज बताइए। जी, सरकार भाजपा की है, अगर आप पार्षद हो जाते हैं तो काम कैसे करेंगे? काम बिल्कुल करेंगे, नहीं करेंगे ये करने भी नहीं देंगे। आप ये भी मानिए कि करने भी नहीं देंगे, काम में रोड़ा लाएंगे। आप पीछे जाएंगे, कूड़े का प्लांट रखे हैं उधर, लोग मकान बेच के जा रहे हैं उधर। अभी जाएंगे आप, इतनी बदबू आती है आप रह नहीं पाएंगे वहाँ पे। पार्षद जी को वहीं लाकर बैठा दीजिए, वहीं मकान दे दीजिए कि रहें आके, तब उनको समझ में आएगा कि यहाँ कितनी बड़ी समस्या है। ये कूड़े की ढेर लगा रखा है उन्होंने, कभी सफाई नहीं होती है, वहाँ सड़ता है कूड़ा, आग लग जाता है तो धुआं कई दिन निकलता है। पीछे रेलवे क्रॉसिंग के पास विरामखंड 5 के कोने पे है। जी चलिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।